घने कोहरे की चादर ने सुबह ही गुरुनगरी अमृतसर को अपनी चादर में लपेट लिया। घने कोहरे के कारण आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया। बसें, कारें तथा स्कूटर चालक लाइट जलाकर वाहन चलाने को मजबूर हो गए। इतना ही नहीं, अमृतसर रेलवे स्टेशन पर भी धुंध का काफी प्रभाव देखने को मिला। वहीं अमृतसर में लोग सर्दी से बचने के लिए कंबल तथा गर्म कपड़े इत्यादि का इस्तेमाल करते दिखाई दिए। देर रात लोगों के मुताबिक हिमाचल से भी ज्यादा ठंड रही। लोगों के मुताबिक अक्सर लोग गर्मियों में ठंड का आनंद उठाने के लिए हिल स्टेशन का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ आकर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वे हिल स्टेशन पर घूमने पहुंचे हों। अमृतसर के निवासियों की माने तो इस बार ठंड नवंबर माह में आ गई है, जिसका लोग आनंद उठा रहे हैं। हालांकि बच्चों को स्कूल जाने में तथा अन्य लोगों को अपने कामकाज पर जाने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। मैं लखविंदर सिंह, बहुत बढ़िया लग रहा है जी। अमृतसर च बहुत सालों बाद इस तरह होया कि नवंबर के महीने जे पहले हफ्ते ही कि इन्नी धुंध पैन करके वधिया मौसम हो गया। कुदरत ने जड़ा नियम है कुदरत का कि जड़िया रुतां बनाइया उन्हें उस तरीके नाल जड़ा है नवंबर महीना बहुत वधिया धुंध पैन दा उहदे नाल है कि जे धुंधा तो बाद जल्दी बारिश हो जाए तो लोग बीमार नहीं होणगे, तो जे लेट धुंधा पैंदियां तो लोग बीमारी का सामना करना पैंदा है, डॉक्टरां नूं पैसे देने पैंदे ने, बच्चों के स्कूल खराब हो जाते हैं बीमारी करके। पर कुदरत ने इस बार बहुत वधिया किया कि नवंबर के महीने च पहले हफ्ते में ही बहुत वधिया धुंध पै गई है जी अमृतसर। विजिबिलिटी तो इस टाइम नहीं है, जिस तरह गड्डी च जाने आपां जी टी रोड पर पिछले 15 दिनों तो धुंध सी, अज अमृतसर शहर के बहुत ज़्यादा धुंध आन करके वधिया मौसम हो गया। बाकी विजिबिलिटी है कि सारी जनता नूं मेरे वल्लों अपील है अमृतसर शहर वासियां नूं कि जदों घरों निकलन तो वधिया तरीके नाल सही तरीके नाल ड्राइविंग करन, तो ड्रिंक छड़ देन थोड़े दिन लई जिन्ने जिहड़े लोग ड्रिंक करते हैं कि ताकि कोई जानी नुकसान ना हो सके। बिल्कुल जी, बिल्कुल लग रहा जी, मेरे लागे काफ़ी पब्लिक है जी अमृतसर च, अज दुनिया भी बहुत ज़्यादा आ रही है। अमृतसर एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, लोग भी सोचते होंगे कि गलती ना असं अमृतसर की जगह किसी होर स्टेशन पर नहीं चले गए। बहुत वधिया लग रहा जी, थैंक यू सो मच जी। बंडी नाम है जी मेरा भाजी, अज पहला दिन अमृतसर के जी इन्नी बहुत ज़्यादा धुंध पई है, ये वेख के लगता जिसे शिमले पहुँच गए हैं कि हिल स्टेशन पर आ गए। बहुत वधिया लग रहा है, तो बहुत वधिया जिहड़ा आंदा पिया इंजॉय कर रहा है कि बहुत वधिया मौसम है, मौसम इंजॉय करते पे सारे, बहुत वधिया लग रहा है। आम मुश्किल तो हो रही है बहुत ज़्यादा कि धुंध पै गए आ, कि एक्सीडेंट के चांस ज़्यादा होंगे आ, कि जिस तरह कोई गड्डिया चलाते हैं जकदम, जिस तरह के लोगों को पता नहीं कि अब धुंध जकदम ही इन्नी पै गई है, तो थोड़ा जहा बचा करेंगे लोग अपना अपना। आसा सिंह, बहुत ज़्यादा भाई तो बंदे ने बंदा कि दीदा नहीं है, बड़ा औखा जी इतों लैके गड्डी दीदा नहीं बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाली गल है। ठंड ठीक है, ठंड सू पता लगन डे जी।